आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रियंका तिवारी के 500 रुपए वाले चैलेंज के बारे में। हाँ, उसी प्रियंका तिवारी के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, जिन्होंने 10 रुपए वाले चैलेंज में चीट किया था, 200 वाले में भी किया था, 100 रुपए वाले में भी किया था, 50 वाले में भी किया था। यानी हर बार वो चीट करती है हर वीडियो में। तो इस बार उन्होंने क्या क्या चीट किया आज पूरी बात करेंगे, लेकिन आप पहले उनकी एक छोटी सी क्लिप देखे फिर आगे बात करते हैं। करने वाली 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मुझे खाना है रात और दिन, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। बहन, जब आप 10 रुपए में पूरा 24 घंटे बिता सकते हो तो ये तो रहा 500 रुपए, इसमें तो आप बिता ही लोगे। आज मैं जितनी भी मील्स खाऊंगी ना, वो ना तो हो सकती 100 रुपए से ज्यादा और ना हो सकती 100 रुपए से कम। एवरी मील हैज टू बी 100 रुपीज ईच। ये क्या था, दखी बना दोगे आप? बना देंगे आप, 100 रुपए की बनवा लो, 80 रुपए की बनवा लो। और 100 की, 100 की तो मेरे बजट में बैठे। 120 वाली में क्या करते हो आप? उसके समय अंदर भी चीज डालते हैं, बाहर भी डालते हैं। तो वो जो 120 वाली मैगी है ना, उसमें थोड़ी सी चीज कम करके भैया 100 की बना दो। बना देंगे, कर देंगे। हाँ, 80 रुपए की मैगी को आप 100 रुपए मांगोगे तो कौन नहीं देगा, कोई भी दे देगा। बहन, 500 ही मांगोगे तो भी दे देगा। 60 रुपए के, 60 रुपए प्लेट है तो ये हमें 100 रुपए का बना के दोगे क्या? हाँ। भैया, ऐसा क्या डालोगे जो ये 60 के 100 में कन्वर्ट हो जाए? वैसे आपको खाने को लंच में छोले कुलचे ही मिले क्या? 60 रुपए के छोले कुलचे को आप 100 रुपए में खा रहे हो, मतलब ज्यादा देकर खा रहे हो, तो कोई भी दे देगा। आपको कहीं और जाना चाहिए था ना, जहाँ महंगी चीजें हो उसको आप करते, या फिर 100 रुपए वाली चीज को ढूंढते तो कोई बात होती ना। ये क्या कर रहे हो आप, चीटी कर रहे हो भैया? आपके पास हमारी जो 80 रुपए की सिंपल भेल होती है उसको आप 100 रुपए का बना सकते हैं क्या? आज हमारे पास 100 रुपए देने के लिए है। भैया हंस रहे, भैया हंस रहे। भैया क्या एक्स्ट्रा डालोगे जो वो 100 रुपए की हो जाए? कुछ अनार। अब आप 80 रुपए के भेल पूरी 100 रुपए मांगोगे तो कोई भी देगा ना, ये तो गलत बात हो गई। आज आज आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जो जिनी डोसा आपको 130 रुपए का ना, वो आपको मुझे भैया देना पड़ेगा सिर्फ 100 रुपए के अंदर। हाँ, दे दोगे? वाह वाह, जिनी डोसा में एक बार में ही मान गया। वाह भाई, इसे भी समझ में आ रही थी ये वीडियो शूट हो रही है। गाइस, भैया ने बोला बटर स्कॉच वाला शरबत डाला, जो भी डाला है। अभी बता, बोले वाले को भी 100 रुपए देकर मना लिया। खैर, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी, वो वीडियो में काफी ज्यादा चीट करती है। अब चीट इसलिए करती है, बार बार आप सोचोगे चीट वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ मैं, इसका कारण यह है कि जब उन्हें अगर 500 रुपए में पूरा दिन गुजारना है तो उन्हें किसी भी तरीके से सच में 500 रुपए में पूरे दिन गुजारना चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ भी जाती है वहाँ चीज़ों को या तो कम करवाती है या फिर ज़्यादा करवाती है। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। आप वैसी चीज़ें ढूंढो जहाँ सच में आपके उतने रुपए ही लगे। अब आप 10 रुपए की चीज़ को अगर आप 1 रुपए में खरीद लोगे तो फिर वो तो 1 रुपए के हो गए ना। जैसे आपने 10 रुपए वाले चैलेंज में काफ़ी ज़्यादा चीट किया था, आपने कुछ खरीदा ही नहीं था, वो पूरी की पूरी चीट ही हुई ना। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कोई गेम वेम नहीं होता। बहुत चीट करते हो आप। खैर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।